सीरियल उड़ान में चकोर की प्लानिंग से सूरज हो गया है काफी परेशान। उसने डिसाइड किया है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा, पर चकोर अपने सूरज को रोक ही लेती है और नैना और सूरज के बारे में सोच भी रही है। चकोर प्लानिंग में इतनी मगन हो गई है कि अभी से नैना और सूरज के लिए है काफी परेशान, जिससे उसको दुख भी बहुत हो रहा है कि सूरज ने नैना को आई लव यू बोलकर उसे प्रपोज कर दिया है और उसे गले से लगा लिया है। ये देख चकोर नाराज है। ये मैडम जो है इन्हें आई लव यू बोलता है सूरज चकोर को, लेकिन चकोर जो कि पहले देख चुकी है सूरज को नैना को आई लव यू बोलते हुए, वही याद आ रहा है और वो इमेजिन करती है कि नैना और सूरज गले मिल रहे हैं, तो ये डे ड्रीमिंग कर रही है, इनसे पूछिए क्या। बस वही देखा मैंने कि नैना ने सूरज को आई लव यू टू बोला हग किया और फिर मैं ऐसे हो जाती हूँ कि हाय हाय, और मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं वैसे ही परेशान हूँ और सूरज मुझसे पूछ पूछ के थक जाता है कि क्यों परेशान हूँ, तो मैं नहीं बताती हूँ, तो सूरज चला जाता है थोड़ा सा ड्रामा करके। चकोर की नाराजगी का तो पता नहीं, पर सूरज काफी परेशान हो चुका है ये नैना और उसकी प्लानिंग से, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा और ना ही चकोर रहेगी यहाँ पे। इसलिए सूरज चकोर से कह रहा है कि वो भी उसके साथ चले, पर चकोर इनकार कर देती है। आपको भी साथ में लेकर जाने की बात करके आप इनकार कर रहे हो, क्या हो गया? सूरज परेशान हो गया क्योंकि इससे पहले कुछ हुआ है बहुत मेजर जो सब नहीं बता सकते हम आपको, बट हाँ सब नहीं बता सकते, उसके लिए आना अलग से कवर करने पर हम ऐसे कुछ हुआ होता है जिससे सूरज थोड़ा सा मेंटली परेशान हो जाता है कि नहीं अब ये तो हाइट सी हो गई, तो वो कहता है कि नहीं करना ये सब, चुपचाप अपना सामान बांधो चलो यहाँ से, हम अपने आप को सेफ कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली और अपने लोगों को सेफ करने के स्टेट ऑफ माइंड में। तो आप क्या कहना चाहिए? हाँ, ये जो इन्होंने बोला बिल्कुल शत प्रतिशत सही है, ऐसा ही है सूरज का माइंडसेट, और इसलिए वो परिवार को आगे रख रहा है, लेकिन फिर इसने उसके दिमाग में डाल दिए हैं बीज देशभक्ति के जो थोड़े सड़ गए थे, अब वापस नए बीज डाल दिए हैं जो अच्छे से फूटेंगे। वेल, चकोर सूरज को घर छोड़कर जाने से तो रोक लेती है, वो देश के लिए कुछ अच्छा करने का सोच रही है और उसने सूरज को भी देश के नाम पर रोक लिया है। अब देखना होगा कि क्या सूरज चकोर के कहने पर रुक जाएगा या घर छोड़कर चला जाएगा।